हर महादेव दर्शकों जय महाकाल। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, पैसा बिल्कुल नहीं है, आप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ये उपाय आपको शनिवार की प्रदोष के दिन करना है। शनिवार को जब प्रदोष पड़े तो ये उपाय आपको शनिवार की प्रदोष के दिन करना है। ये उपाय जो आपको करना है 4 मार्च को करना है, क्योंकि शनिवार भी है और उस दिन प्रदोष भी है। ये उपाय इतना प्रभावशाली है, गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के बाद आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी, गरीबी चली जाएगी, आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में व्यापार में कारोबार में बढ़ोतरी होगी। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए शनिवार के दिन। आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसमें 2 बेलपत्र लेने हैं। 2 बेलपत्र लीजिए साफ सुथरे, और 7 आपको समी पत्र लेने हैं। ये उपाय आप समी पत्र जो अगर आपके घर में समी पत्र का वृक्ष है तो आप वहाँ लगा ये उपाय कर सकते हैं, वरना आपको शिवालय जाकर ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको 7 समी पत्र और 2 बेलपत्र लेने हैं, फिर जाना है आपको शिवालय। और ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय कर सकते हैं, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तो आपको आपने 2 बेलपत्र ले लिए, 7 समी पत्र ले लिए, फिर आपको वहाँ जाकर जो आपने 2 बेलपत्र लिए हैं, 1 बेलपत्र आपको जलाधारी के पास रख देना है और 1 बेलपत्र आपको माता के हस्त कमल जो होते हैं वहाँ आपको रख देना है। और आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान से करनी है लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करती रहिए। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 बेलपत्र जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि 1 बेलपत्र आपको जलाधारी के पास रखनी है और 1 बेलपत्र आपको माता के हस्तकमल पर रखनी है। डंडी किस तरफ हो, पत्तियाँ किस तरफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है गुरु जी ने। आप जैसे चाहें वैसे बेलपत्र आप रख सकते हैं। फिर आपके जो 7 समी पत्र रह गए हैं उन्हें आपको एक एक कर ध्यान रखिए, एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है। और वहीं बैठकर आपको आपकी जो भी मनोकामना, जो भी परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है, वहीं बैठकर उससे निवारण करने के लिए आपको बाबा से विनती करनी है कि सारी आपकी जो समस्या है पैसों से संबंधित वो समाप्त हो जाए। तो आपको एक एक समी पत्र करके 7 बार में आपको चढ़ा देनी है शिवलिंग पर। लेकिन आपको जो शिवलिंग पर जो समी पत्र चढ़ानी है, गुरुजी कहते हैं कि जब शिवलिंग का श्रृंगार हो चुका हो, जैसे शिवलिंग को फूल माला चढ़ चुकी हो, चंदन लग चुका हो, टीका लग चुका हो, फूल चढ़ चुके हैं, मतलब सजा हुआ शिवलिंग हो, उसके बाद आपको समी पत्र जो है वो चढ़ानी है। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है प्रदोष के दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। हर महादेव, जय महाकाल।